So, what's up guys, कैसे हो आप लोग? तो यार आज हम फिर से आ चुके हैं डेथ पार्क में। और वैसे गाइज मैंने डेथ पार्क का गेम प्ले अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लेकिन गाइज वो घोस्ट मोड पे है। और उसके बाद गाइज बहुत लोगों की कमेंट आए कि भाई इजी मोड पे ट्राई करो, हार्ड मोड पे ट्राई करो, नॉर्मल मोड पे ट्राई करो। तो सॉरी गाइज थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को, पर कोई बात नहीं यार, अभी आप लोग गेम को इंजॉय करो। यहाँ पर ये जोकर आ रहा है देखो, और ये गाइज जोकर थोड़ा अजीब होता है, मतलब एक मॉन्स्टर टाइप होता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। एंड यार इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों को घोस्ट मोड में समझ नहीं आया होगा क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा नहीं, लेकिन गाइस इसमें वो कुछ ज्यादा ही भयानक हो जाता है। एंड इसके सामने से एस्केप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और गाइस घोस्ट मोड में हमको इतना समझ में आया कि हमारी एंडिंग जो हुई थी वो बैड हुई थी, मतलब इतनी अच्छे से एस्केप नहीं हो पाए थे, उसमें गुड एंडिंग नहीं हुई थी। लेकिन गाइस इसमें हम लोग गुड एंडिंग करने वाले हैं। तो मैंने इस की मदद से इस दरवाजे को ओपन किया। अब जल्दी से जल्दी चलते हैं पार्क में। और यार गुड एंडिंग इसलिए क्योंकि हम इस गेम में उस जोकर का दी एंड करके जाएंगे। यस गाइस हम उसको मार के जाएंगे। तो यहाँ पर हमको ट्रेन का टिकट मिला गाइस। अब इस टिकट का कहाँ पर यूज है मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले तो इस जोकर को देखो, इसकी स्पीड देखो यार, और कितना ज्यादा भयानक है। इसको आप लोगों ने सामने से नहीं देखा है, बट कोई नहीं गाइस इस गेम में आप लोगों को क्लियर दिखेगा एकदम। और इसको हम मार के भी जाएंगे, इसीलिए हम लोग गुड एंडिंग करने वाले हैं। तो यार लास्ट तक बने रहो। और यार हमको एक टिकट मिला है, तो उस टिकट को लेके चलते हैं टिकट चैम्बर में जहाँ से रेलगाड़ी चलती है। तो ये देखो यहाँ पर हमको टिकट डालने का ऑप्शन आ रहा है। और ये देखो गाइस ट्रेन चलने भी लगी, बट ये जा कहाँ रही है? ओके गाइस ये देखो सारे प्लैंक्स वगैरह को तोड़कर ट्रेन नीचे गिर गई। तो चलो गाइस अभी फटाफट जाते हैं और उस प्लैंक्स को उठाकर लेकर आते हैं। और वैसे गाइस इसका यूज तो हमको पता ही है क्योंकि हमने घोस्ट मोड पे खेल ही रखा है। तो यार फटाफट चलेंगे, इस प्लैंक्स का यूज करेंगे और वहां से वाटर बॉटल उठाएंगे। बस यार मैं उसको देख रहा हूँ, उस जोकर को, क्योंकि वो जोकर बहुत ही ज्यादा भयानक है। अभी तो वो आया नहीं है, शायद हमको दो चार मिनट दिया है शांति से, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। ये देखो गाइज यहाँ पर प्लैंक लगा दिया क्योंकि आगे का रास्ता था ही नहीं, तो यहाँ से मुझे वाटर बॉटल मिला। अब इसका भी यूज पता है मुझे यार, तो अब फटाफट चलते हैं जल्दी से। ये देखो गाइज यहाँ पे इतने सारे हॉर्सेज हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है, तो इस ब्लड को धोते हैं पानी लगाकर। ये देखो, और यहाँ पर मुझे कुछ कोड मिला, और इस कोड का यूज मेन बिल्डिंग में जाने के लिए होता है। तो यार फटाफट वहाँ पर जाएंगे। बट यार यहाँ पर ये देखो अपने आप ये पूरा घूमने लगा, और अभी मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक मैं यहाँ से जा भी नहीं पाऊंगा। ओ माय गॉड उस जोकर को देखे क्या यार, यार कितना भयानक दिख रहा था, ऐसा लग रहा है हमारे कोई देख रहा है बहुत ध्यान से। अरे यार मेरे को मारना नहीं भाई, मैंने कुछ गुनाह नहीं किया है, मैं बस यहाँ से एस्केप होना चाहता हूँ चुपचाप। यार काश उसको मारने का भी कुछ होता इस गेम में, उसको मारने का कुछ भी नहीं है गाइस, हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एस्केप होना है, हम उसको मार नहीं सकते। बट गाइस एक तरीका है मारने का, मैंने बोला ना हम लोग गुड एंडिंग करने वाले हैं, तो हम लोग मार सकते हैं उसको, बट यार वो बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस बन जाता है। तो चलो हम लोग इस रूम में तो आ गए एडमिनिस्ट्रेशन वाले, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ये देखो ये रूम ओपन हो गया, बस यार वो यहाँ पर आए ना, क्योंकि अक्सर आता जाता रहता है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर कुछ तो तलाश है, देखते हैं सारे ड्रॉवर्स वगैरह को ओपन करके शायद कुछ मिल जाए मुझे। यार लाइट भी बंद चालू हो रहा है, कसम से यार एक तो ऐसे ही बंदा डरा हुआ है, ऊपर से और डरा दो। और यार अगर बीच में वो आ जाएगा ना, वो आ जाएगा क्या? वो आ गया, वो उस रूम में गया है। मैं फटाफट ड्रॉवर चेक कर रहा हूँ, बट यार बस वो अभी फटाफट चलते हैं जल्दी से छुप जाते हैं और देखते हैं। वो देखो आ गया अभी बाहर जा रहा है, चला गया। चलो यार अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं और जल्दी जल्दी चाबी ढूंढते हैं हम लोग, क्योंकि गाइज यहाँ पर एक चाबी मिलती है, कहीं पे भी मिल सकती है। ये देखो हमको मिल गया चाबी, और यहाँ पर इस रूम में देखो स्लाइड मिला मुझे। चलो यार अभी फटाफट निकलते हैं यहाँ से। वैसे गाइज हमको सेकंड फ्लोर का की तो मिल गया है, तो यार अभी फटाफट सेकंड फ्लोर पे चलते हैं जल्दी से। ये देखो गाइज मैं सेकंड फ्लोर का दरवाजे का की लगा रहा हूँ, और ये देखो यार मैं कौन से मेज में आ चुका हूँ, और ये क्या? ओ नहीं यार अभी क्या इससे मुझे रेस लगानी पड़ेगी? ओ माय गॉड भाई सा मुझे इससे भागना है बचकर। अबे यार ये अलग ही अलग लेवल बना देते हैं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। एक तो मुझे रास्ता भी इतना ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है यार, फटाफट यहाँ से जाना पड़ेगा। उसके कदमों की आवाज भी इतनी तेज आ रही है, मतलब वो मेरे पीछे भाग रहा है। ओ शिट यार, अरे क्या है क्या ये इतना घुमावदार रास्ते यार? अबे ये क्या आ गया अब? टर्न बैक। ओके गाइस
ओ मतलब पहले दरवाजा नहीं था, अभी दरवाजा आया। मतलब अगर मैं मिडल में बैठूंगा बीच में तो यहाँ पर रास्ता बन जा रहा है, अट्रैक्शन रिक्वायरमेंट, और पीछे दरवाजा दिखा एक। ओके गाइज मैं समझ रहा हूँ अभी, थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर मैं बीच में बैठा और यहाँ पर लिखा है गिफ्ट इज देयर। अबे ये क्या है यार। ओके गाइज हमको यहाँ पर बेसमेंट का रास्ता मिला। पता नहीं कितना कंफ्यूज कर रहे हैं गाइज, हमको रास्ता मिलेगा भी कि नहीं बाहर जाने का। वैसे मेरे को यहाँ पे फंसाया क्यों भाई, यहाँ पर कुछ है भी नहीं, एग्जिट इज बिहाइंड। अरे यार मैं तो सेम टाइप के रूम में फंस गया हूँ एकदम, एक जगह से निकल रहा हूँ और दूसरे जगह से वहीं पर आ जा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। और यहाँ से मैं तो जा चुका हूँ बार बार पे, फिर से वही बेसमेंट का रास्ता। ओ माई गॉड मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार यहाँ पर। चलो यार भी फटाफट चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या मिलता है। वैसे गाइज यार ये बहुत ही ज्यादा भयानक मेज है यार, मतलब इस मेज में कोई भी रास्ता भटक सकता है। ओके एग्जिट इज बिहाइंड, डू नॉट लुक बैक, हमको पीछे से ही जाना पड़ेगा। चलो अच्छा मैं पीछे से आ चुका हूँ। और यहाँ पर ये क्या आ गया यार अभी। ओके यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, स्लाइड एंड स्क्रू ड्राइवर टाइप कुछ लग रहा है। यस देखो स्क्रू ड्राइवर भी मिल गया मुझे। और यहाँ पे बोला है डेथ इज द वे आउट, चलो यार डेथ में चलते हैं, देखते हैं हम लोग बाहर निकल पा रहे हैं कि नहीं। हाँ भाई फिर से वहीं आ गया मैं, अभी मैं किधर जाऊँ। गिव अप मतलब हार मान गया, डिफीट। ओके गाइस चलो अभी फटाफट चलते हैं डिफीट में, देखते हैं ये क्या हो रहा है यार। क्लोज टू डेथ मतलब शायद इसका रीबर्थ हो सकता है। चलो यार फटाफट रीबर्थ में जाते हैं। भाई फिर से वहीं आ गया, ये हो क्या रहा है। लास्ट चांस ओके, तो चलो गाइज मर्डर में जाते हैं, देखते हैं यहाँ से हम बाहर निकल पाते हैं कि नहीं। ओके गाइज हम लोग बाहर निकल चुके हैं यार, अब चलो यार सारे रूम में छान मारते हैं, देखते हैं कि और क्या मिलता है मुझे। मैं वापस से एडमिनिस्ट्रेशन वाले रूम में आ चुका हूँ और यहाँ पर ये ऑफिस का कोई रूम लग रहा है। अबे ये आ गया, अबे नहीं, ओ माय गॉड ये क्या था यार, सडन आके मेरे को मार दिया, ये कैसे हो सकता है यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। उधर भागने का भी जगह नहीं दे रखा था, इतना छोटा सा तो रूम था यार। चलो यार अभी फटाफट उसी रूम में चलते हैं जल्दी से, क्योंकि गाइज वहां पर मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। ये देखो गाइज मुझे एक की मिला जो कि फूड स्टॉल की था, और यहाँ पर ये लाइब्रेरी है। ओके गाइज यस मुझे अच्छे से याद है रास्ता, तो यहाँ पर मेरे को एक टॉर्च मिलना चाहिए। ये देखो मुझे एक टॉर्च मिला, अभी फटाक से इस वेंट के जरिए अंदर जाते हैं। चलो स्क्रू ड्राइवर से ओपन किया, अब यहाँ से अंदर जाते हैं फटाफट। चलो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब देखते हैं यहाँ पर हमको क्या मिलता है। यार यहाँ पर तो एक नया ही रूम आ गया, और यहाँ पर कुछ है नहीं यार, बट कुछ तो होना चाहिए यार यहाँ पर इतना बड़ा रूम। ये देखो गाइज ये की रखा हुआ था और हमको दिखा ही नहीं। चलो यार अभी फटाफट देखते हैं यहाँ पर क्या मिल सकता है। ओ वाह हमको एक गेट मिला, यहाँ से मुझे एक चैन मिला, एंड यहाँ से एक स्लाइड भी मिला, क्या बात है। चलो यार फटाक से यहाँ से निकलते हैं, वैसे गाइज इतना ज़्यादा अंधेरा है वो कभी भी आ सकता है मेरे पीछे। और ये देखो यार वहाँ से गैस लीक हो रहा था पाइप से, मतलब उसको बंद करना पड़ेगा तभी मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, बट यार वो आना नहीं चाहिए बस। भाई बहुत संभाल के खेलना यार। अरे भाई ये क्या था यार, अपने आप लाइट गिर के आवाज कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। आएगा जरूर आएगा, ये देखो गाइज आ गया, मुझे पता था वो आएगा क्योंकि अपने आप लाइट वगैरह गिर रहा है इसको बुलाने के लिए। चलो यार यहाँ से मुझे वॉल्व मिला, अब यहाँ पे मैंने गेम को सेव कर लिया क्योंकि गाइज मैं कभी भी मर सकता हूँ यार, इतना ज्यादा भयानक है यार ये। और गाइज वो जो गैस निकल रहा है आई थिंक सो ये वॉल्व घुमाने की वजह से ये बंद हो जाए, और इसका यूज कहाँ पर होगा मैं आपको बताता हूँ। वेट वो देखो मेले में घूम रहा है बेवकूफ, इतना अंधेरे में भी चमक रहा है वो। ये देखो गाइज यहाँ पर वॉल्व को लगाना होता है, तो मैं फटाक से यहाँ पे लगा देता हूँ जल्दी से। चलो लगा दिया, अब इसको रोटेट कर देता हूँ। अब देखो गैस बंद हो गया गाइज, अब फटाक से उस रूम में जाते हैं, देखते क्या मिलता है हमको। क्रोबार मिला, क्या बात है। अब यहाँ से फटाक से निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि यहाँ का काम तो हो गया गाइज मुझे जहाँ तक की पता है, तो अभी हम लोग फटाक से बाहर चलते हैं। तो गाइज इस की का यूज़ किया और फिर से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वाले रूम में आ गए। और गाइज यहाँ पर एक और रूम होता है जहाँ पर हमको जाना होता है, बट हम पहले जाकर कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि गाइज वहाँ पर क्रोबार की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ये देखो पहले फटाक से बंद किया, यहाँ पर क्रोबार की ज़रूरत पड़ेगी इस गेट को खोलने के लिए। और गाइज हमको सामने कुछ तो दिख रहा है, वेट। ओके गाइज हमको कोई मेडिसिन मिला स्लीपिंग पिल्स करके, और ये क्या दरवाजा बंद कर दिया एंड फ्रीजर चालू कर दिया यार इतनी तेज।
यार मुझे फटाक से यहाँ से निकलना पड़ेगा। जल्दी से यार स्क्रू ड्राइवर यूज करो, मैं फ्रीज हो रहा हूँ गाइस। नहीं 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 भाई नहीं, ओ माय गॉड मैं बच गया। चलो अच्छा हुआ यार, मुझे तो ऐसा लगा था फिर से एक लाइफ मेरी गई। यहाँ पर ये देखो गाइस ये गेट है, मैं पार्क में आ चुका हूँ वैसे। अब गेट में यहाँ पर मैं चैन लगा दिया। अब इस चैन को मैं क्यों लगा रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं जो स्लीपिंग पिल्स लेके आया हूँ उसका यूज बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये देखो गाइस ये बटन है, ये शायद लॉक है एंड ये एक की से ओपन होगा जो कि फूड स्टॉल की है जो हमने कर दिया। और यहाँ पर हमको मीट मिला और इसमें मैंने स्लीपिंग पिल्स मिला दिया, क्योंकि गाइस इसको एक ऐसे प्राणी को खिलाना है, एक ऐसे जानवर को खिलाना है जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार है, वो हमको देखते ही मार देगा। यस गाइस एक ऐसा डॉगी जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक है, मतलब बहुत ही ज्यादा डरावना है। तो यहाँ पर हम उसके लिए मीट रखेंगे स्लीपिंग पिल्स वाला, ताकि वो खाते ही सो जाए। और ये देखो गाइस हमको सीजन मिला एंड यहाँ पर भी कुछ है। ओके एक लॉक मिला मुझे, और फटाफट यहाँ से निकलते हैं यार, पता चले वो उठ जाएगा तो बवाल कर देगा पूरा। अब यहाँ से जल्दी चलते हैं और इस कैची का यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अबे ये कहाँ से आ गया यार, अबे पीछा भी करने लगा यार, ये तो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ है। अब मुझे इसको घुमाना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा। एक तो यार मैं पीछे भी मुड़कर नहीं देख सकता, अगर पीछे मुड़कर देखूंगा तब तक वो मेरे पास आ चुका होगा, क्योंकि गाइस पीछे मुड़ के देखने से ना हमारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, इसलिए काफ़ी दूर भागने के बाद ही हम लोग पीछे देख सकते हैं। चलो वैसे हम लोग दूर तो आ चुके हैं, बट गाइस मुझे जहाँ जाना है मैं वहीं जा रहा हूँ डायरेक्ट अभी, क्योंकि गाइस उस सीजर का यूज़ यहीं पर है। और गाइस ये जो टेंट हाउस जैसा आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में टेंट हाउस नहीं है, ये एक सर्कस है। और यहाँ पर देखो एक स्पेस है जिसको हमको कैची की मदद से कट करना है एंड यहाँ से हमको अंदर जाना है, और देखते हैं अंदर हमको क्या मिलता है। चलो यार फटाफट चलते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल सकती है जो हमारे बहुत काम आएंगी। तो यार अभी फटाफट इस गेट को स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन करते हैं, जल्दी यार ज़्यादा टाइम नहीं है। यस ओपन हो गया और हमको यहाँ पर एक क्लॉक मिला, चलो अलार्म क्लॉक मिला। और यहाँ पर क्या मिल सकता है, एक स्लाइड मिला मुझे। ये देखो गाइज एक कोड से ये दरवाज़ा ओपन होगा, तो हमको उस कोड को भी कलेक्ट करना है। यार फटाफट चलते हैं जल्दी से बाहर। तो यार हम लोग बाहर आ चुके हैं, अब जल्दी से जल्दी चलते हैं उस कोड को पता करके आते हैं जिससे वो दरवाज़ा ओपन होगा। अबे यार ये कहाँ से आ गया, अच्छा हुआ देखा नहीं, वो वहाँ से जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था आ रहा है। चलो अच्छा है। और वैसे गाइज एक अच्छी बात है कि कोई आवाज़ नहीं सुनता, अगर आवाज़ सुनता ना यार तो पूरा दिमाग खराब कर देता। वैसे गाइज सुनता है पर पूरी आवाज़ नहीं सुनता है। और ये देखो गाइज मुझे एक और स्लाइड मिला, अब हमारे पास 5 स्लाइड हो चुके हैं टोटल। और यहाँ पर देखो गाइज कोई प्रोजेक्टर टाइप मशीन लग रही है। तो गाइज मुझे यहाँ पर सारे स्लाइड्स डालने पर कुछ पासवर्ड्स मिले, तो यार अभी फटाफट उसी सर्कस में चलते हैं जहाँ पर गेट को ओपन करने के लिए कोड की जरूरत थी, और हमको कोड मिल चुका है। तो यार फटाफट चलते हैं जल्दी से। और गाइज वहाँ पर क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ डरावनी चीज़ भी हो सकती है एंड कुछ ऐसे ही नॉर्मल चीज़ भी हो सकती है, तो मुझे देखना पड़ेगा वहाँ पर जाकर, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है वैसे, क्योंकि घोस्ट मोड में उसमें नॉर्मल दिखाता है, वहाँ पर कुछ ऐसा होता नहीं है। अब तो यार अभी जाने के बाद ही पता चलेगा, तो यार फटाफट कोड डालते हैं। वैसे गाइज इस गेम का एक और अच्छी बात है, हमको कोड याद नहीं करना पड़ता, कोड अपने आप यहाँ पर डाल देता है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा ही रेडनेस है यार, यहाँ पर मुझे चैन मिला, क्या बात है। अबे यार ये सब रोटेट करने लगा, और ये अंधेरा कैसे हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड गाइज देखो मेरी बैटरी भी 15% हो चुकी है, और ये मेरे पीछे भी पड़ गया। ओह माय गॉड देख रहे हो गाइज उसका असली फेस, और ये क्या पागल हो गया है क्या, वो अंधेरा करके मार रहा है बेवकूफ। और ये उजाला भी हो गया, और अभी वो नॉर्मल बन गया। ओके गाइज मैं समझ गया, यहाँ पर कुछ अलग ही सिस्टम हो रहा है, मतलब कुछ टाइम के लिए वो एकदम अंधेरा कर दे रहा है एंड कुछ टाइम के लिए पूरा उजाला कर दे रहा है, मतलब इसी उजाले के टाइम में मुझे उसको कैसे भी करके किडनैप करना है। ये देखो मैंने उसको इस जेल में बंद कर दिया गाइज, अब इसको मार के रहूँगा, वेट करो। और ये क्या गाइज लीवर को ऑन करते ही यहाँ पर उसको कांटा चुभ गया एंड वो मर गया, क्या बात है यार, मतलब हमने उसको मार दिया है। ओ भाई साहब, लेकिन गाइज वो रियलिटी में नहीं मरा है, वो सिर्फ और सिर्फ सपनों में मरा है, पर गाइज हम एटलीस्ट सपनों में तो जीते। चलो यार यहाँ पर चैन छोटा पड़ रहा था तो मैं एक चैन और लेकर आ गया,
अब यहाँ पर लॉक लगा के उसको जोड़ देता हूँ। चलो जुड़ गया, अभी जल्दी से जल्दी चलता हूँ और इस झूले को ऑन करता हूँ। सबसे पहले तो इस लीवर को खींचता हूँ। चलो गाइस ये देखो, अब तो आप समझ ही गए होगे यार कि मैं इतना कुछ क्यों किया, क्योंकि गाइस मुझे एस्केप करने के लिए उस गेट को तोड़ना जरूरी था, इसलिए मैं इतनी देर से इतने सारे कारनामे करते आ रहा था। ये देखो गाइस फिर से तीन लीवर दिखा मुझे, सबसे पहले बीच वाले को नीचे करेंगे, फिर राइट, फिर लेफ्ट। वाओ गाइस ये चक्री अपने आप ऑन हो गया, मतलब गाइस अब हम आराम से एस्केप हो सकते हैं। तो चलो यार अब शाउट आउट की बारी आती है। तो गाइस मेरे कल के वीडियो में काफी ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं यार, तो यार आज मैं वही शो करने वाला हूँ। तो गाइस जिसमें से पहला नाम है सुष्मिता, आरिफ फैस, लक्की भाई, सौरभ चाकी, शैलेंद्र यादव, मिस्टर अजोय, नूतन गौतम, जानवी यूजर, इंदिरा वर्मा एंड प्रज्ञा सिंह। सो गाइस थैंक यू इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। सो ऐसे ही कमेंट करते रहो गाइस एंड नए नए गेम को सजेस्ट करते रहो, मैं वही गेम प्ले करूंगा जो कि आप लोग सजेस्ट करोगे। और ये देखो गाइस हमारा गेट दिख रहा है, अब हम यहाँ से एस्केप होने वाले हैं। सो गाइस अभी तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग उसी रूम में आ चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, बट गाइस घोस्ट मोड में हमने जब प्ले किया था तब हमारा बैड एंडिंग हुआ था, तो यहाँ पे अलार्म क्लॉक रख दिया। अब हम लोग सोते हैं एंड सोने के बाद गाइस एक ऐसा इंसान होता था, मतलब कोई मॉन्स्टर होता था जो हमको मार देता था सपनों में। लेकिन गाइज इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इस बार उसको ठोक के आए, मतलब यार उसका दी एंड करके आए, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर ये देखो गाइज हमारी एंडिंग देख रहे हो, मतलब हम सपनों में से जब उठे तब हमारे आजू बाजू चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी एंड खिड़की में धूप वगैरह सब दिख रहा है। इसका मतलब यार गाइज हमारा गुड एंडिंग हुआ है। सो गाइज अभी तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।